मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि विगत 6 वर्ष के अंदर हमारी प्रशासनिक टीम ने शासन के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का 100% लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। आज इसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। 2,61,00,000 से अधिक गरीबों को शौचालय मिल जाना, 54,00,000 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हो जाना, 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के रसोई गैस प्राप्त हो जाना, 1,53,00,000 से अधिक परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, जहां ये योजनाओं की वह स्थिति है, 6,00,00,000 से अधिक गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को जमीनी धरातल पर ईमानदारी के साथ उतार करके उत्तर प्रदेश की विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करना, ये सभी कार्य पिछले 6 वर्ष के अंदर हुए हैं और उसका परिणाम है आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा ही बदली है। भ्रष्टाचार का बोलबाला हो तो फिर आगे की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। एक समय सीमा के अंदर आपके चयन की प्रक्रिया को पूरा किया गया, इससे पहले की स्थिति क्या थी? 2017 में, मार्च 2017 में जब हम लोगों ने शासन की बागडोर संभाली थी, हर एक विभाग में पद खाली पड़े हुए थे। अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में ही 1,64,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को हमने 6 वर्ष के अंदर पूरा किया है। 1,64,000 अनुमान कर सकते हैं कि पुलिस के कर्मी नहीं थे। जब पुलिस कर्मी नहीं होंगे तो सुरक्षा की स्थिति तो खराब रहनी थी। पीएसी जो सांप्रदायिक दंगों को रोकती है, हर एक उस समय जब भी प्रदेश की सुरक्षा पे किसी ने सेंध लगाने का प्रयास किया, उन बहादुर जवानों ने सदैव अपनी जान की प्रवाह के बगैर प्रदेश की सुरक्षा में सेंध नहीं लगने दिया। 54 कंपनियां पीएसी की समाप्त कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश में कार्य करना देश के किसी भी अधिकारी और कार्मिक को के लिए गौरव की बात होती है। यह मान्यता है कि जिस अधिकारी और जिस कर्मचारी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य किया और यहां पर ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वह देश और दुनिया के अंदर कहीं भी सफलता के नए झंडे गाड़ सकता है। यह उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक तबके के बारे में और यहां कार्य करने वाले कार्मिकों के बारे में यह धारणा है। और यह धारणा इसलिए है क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, 25 करोड़ की आबादी, और 25 करोड़ की आबादी की इतनी बड़ी आबादी के बीच में शासन की योजनाओं को पहुंचाना, इतनी बड़ी आबादी के सामने पूरी पारदर्शी तरीके के साथ अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से कुछ मूल्यों और आदर्शों की स्थापना करके अन्य लोगों को उस दिशा में प्रेरित करना एक बड़ा दायित्व है। शासन और जनमानस के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रशासन और उससे जुड़े हुए कार्मिक होते हैं। जितनी तत्परता और ईमानदारी के साथ यह सेतु का कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, शासन की छवि आम जनमानस के सामने उतनी ही अच्छी होती है और शासन की योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही पारदर्शी तरीके के साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। आम की नगरी से और नगर विकास विभाग से श्री सलील भारद्वाज, अधिशासी अधिकारी बरेली से हैं।
नगर विकास विभाग से ही श्री अजय कुमार अधिशासी अधिकारी बलरामपुर से हैं और राजस्व विभाग से सुश्री भावना सहायक चकबंदी अधिकारी पद पर नियुक्त हुई हैं, अलीगढ़ से हैं। राजस्व विभाग से ही श्री निर्भय द्विवेदी सहायक चकबंदी अधिकारी आप सुल्तानपुर से हैं, बधाई हो। और फिर श्रम विभाग से सुश्री ज्योति प्रजापति कनिष्ठ सहायक जौनपुर से, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग सुश्री ऋचा शर्मा सहायक उद्यान निरीक्षक गाजियाबाद से हैं, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से श्री मंजीत सिंह सहायक उद्यान निरीक्षक बाराबंकी से हैं, श्रम एवं सेवायोजन विभाग सुश्री ममता अरुण श्रम प्रवर्तन अधिकारी आगरा से हैं, और गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग सुश्री श्रुति मिश्रा कनिष्ठ सहायक लखनऊ से हैं।